मैं शहीद लाला वासुमल कपूर जी का पड़पोता हूं और मेरे परदादा श्री लाला वासुमल कपूर जी ने यहां पे दो गोलियां लगने से उनको शहादत का जाम पिया। जैसा कि ये आपने सवाल रखा था कि भी ये रेनोवेशन के रिगार्डिंग, तो रेनोवेशन देखिए ये 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें हम परिवार सब आए थे, 31 परिवार। हमने उसी दिन से ही इसका प्रोटेस्ट किया था और आज भी वो चल रहा है। वो उसके रिगार्डिंग हमने प्रधानमंत्री साहब को और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को 13 सुझाव हमने भेजे हैं, जो आज तक भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और ना ही कोई कमेटी बनाई गई है और ना ही कोई हमें, हम परिवारों में से, जैसे कि मैं जलियांवाला बाग फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन का प्रधान भी हूँ, तो इसमें हमें किसी को भी अभी शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो 13 सुझाव है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो इस गैलरी में आप खड़े हैं, ये गैलरी तकरीबन 2.5 से 3 फीट की ये जो गली थी, आज आप देखेंगे तो ये 8 फीट की गली हो गई है। और इसमें जो म्यूरल्स लगा दिए गए, ये तब म्यूरल्स नहीं थे 13 अप्रैल 1919 को। ये एक बहुत बड़ी जो है, इन्होंने जो अमेंडमेंट की है, ये इसको देखने से ऐसा लगता है कि लोग जैसे बैसाखी के मेले में जैसे भंगड़े गिद्धे डालने आए हुए हैं। ये आज इन दीवारों से वो जो आवाजें निकलती थी, जो दर्दनाक आवाजें थी, वो फील नहीं कर रहे लोग, उस फीलिंग को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। दूसरा जो कुआं था, कुएं के ऊपर जो इन्होंने दोबारा नया कुआं बना दिया है, मेरी परदादी बताती थी कि भी इस कुएं को जो निर्माण हुआ था 1925-1926 में हुआ था, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके और इसके जलियांवाला बाग के संबंध में 5,65,000 का ये पार्क भी खरीदा था। और उसके बाद ये जो इस कुएं की जो ईंटें लगाई गई थी, वो भी जो घर घर से ईंटें जो शहीद परिवारों से मंगवाई गई थी और उनसे चंदा इकट्ठा करके ये कुएं का निर्माण किया गया, उसको भी गिरा दिया। उसके बाद आप देखिए कि जो अमर ज्योत थी उसको बिल्कुल पीछे कर दिया है, जो कि आप देखिए कि कोई भी अगर शहादत, जिन्होंने इतने बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में एक साथ शहादत हुई थी, उस शहादत को देखते हुए आप अमर ज्योति को इतनी पीछे ले गए हैं, तो जो ऐसा लगता है कि उनकी शहादत का जो जाम पिया, उनको कोई नतमस्तक या नहीं हो रहे। आज क्राउड देखे सेल्फी ले रहे हैं, कुछ खाने की चीजें आ रही हैं, उसके ऊपर हमने कहा था कि चिप्स कुरकुरे या कोल्ड ड्रिंक्स अंदर लोग पीते हैं, खाते हैं, तो एक शहादत की जगह पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मतलब ये मेला जैसा या कोई अम्यूजमेंट पार्क ना बन जाए, जैसे मैरिज पार्क है, मैरिज में हम चले जाते हैं, तो ऐसा एक इसको देखने के लिए बना, इसका एक सैंक्टिटी जो यहाँ पे शहीद हुए हैं उन लोगों के लिए आप चाहते हैं कि आज भी है। मैंने अपनी परदादी से ये, क्योंकि वो उस रात यहाँ पे रही थी, उस रात का दृश्य मेरी परदादी श्रीमती पूरन देवी ने देखा था और वो बताती थी कि दर्दनाक लोग चीखों से तड़प रहे थे उन गोलियों से, वो जो बूचर जनरल डायर द्वारा चलाई गई थी और जो ऑर्डर अडवायर द्वारा दिया गया था। लेकिन आज भी अगर हम देखें, मैं आपको अगर बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ों को मैंने फील किया है। मैंने अपनी परदादी को हर साल जो खूनी बैसाखी और काली बैसाखी के नाम से हमें बताया जाता था, कि वो आज तक हमारे घर में उस हर बैसाखी को ये खूनी बैसाखी और काली बैसाखी दिवस ही मनाया जाता है। इस समय हम लोग जलियांवाला बाग के इस गलियारे में खड़े हैं, जहाँ से इस बाग की शुरुआत होती है। इस तरफ स्वर्ण मंदिर का इलाका है और हमारे साथ इस समय प्रोफेसर हरीश शर्मा हैं, जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे। तो ये जो गलियारा है, बहुत ऐतिहासिक गलियारा है, जिसके बारे में हम जानते हैं, बहुत सारी फिल्मों में भी इसका जिक्र आया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी हमने देखी हैं। पहले ये इस तरह का नहीं हुआ करता था, अभी यहाँ पर कुछ म्यूरल्स हैं और हाल ही में यहाँ पे इसका रिनोवेशन हुआ है। प्रोफेसर साहब, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो बदलाव है, इसको लोग और आप लोग बतौर इतिहासकार कैसे देखते हैं, और ये सही दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है या कुछ इसमें गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं, उसके बारे में आप हमें बता पाएं। देखिए, मैं अमृतसर की पैदाइश हूँ और इस बाग को बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, तो जब से होश संभाला है तब से जो इस गलियारे को मैंने देखा है कि दोनों तरफ ये एक साफ दीवार थी और इस दीवार के बीच में, बिल्कुल सेंटर में, एक प्लाक लगा रहता था जिस पे इसकी हिस्ट्री लिखी गई थी और एक बड़ी ब्रीफ सी स्टेटमेंट थी कि इस रास्ते से जनरल डायर बाग के अंदर आया था और उसकी गोलियों से इतने लोग
शहीद हो गए थे, तो वो एक स्टेटमेंट था उसका। उसकी एक उसके बारे में एक बार कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जब क्वीन 50th एनिवर्सरी पे भारत आई तो उन्होंने जलियांवाला बाग भी विज़िट किया था, उनके साथ ड्यूक ऑफ एडिनबरा भी थे। तो क्वीन तो बाग के अंदर चली गई, लेकिन ड्यूक ऑफ एडिनबरा उस जो प्लाक यहाँ पे था, तो उस प्लाक के पास खड़े होकर वो कहने लगे कि ये स्टेटमेंट जो है इसमें फिगर एग्जैजरेट की गई है, क्योंकि ही माइट हैव बीन टोल्ड बाय समबडी के ये फिगर गलत है। तो वो उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो अब ये जो है ये तो उस दीवार के साथ बिल्कुल जाता नहीं, गली छोटी भी थी ना, ये गली बड़ी करी गई या गली का साइज यही था? गली का तो ऐसा ही है, ये ना तो बड़ी हो सकती है ना छोटी हो सकती है। चेहरे बड़े हसमुख, हाँ, ये तो ऐसे लग रहा है ना जैसे किसी उत्सव में जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन जो 13 अप्रैल 1919 की जो असेंबली थी वो तो एक तो प्रोटेस्ट के लिए थी, और दूसरा शोक मनाने के लिए, जिन लोगों की 10 तारीख को गोलियों में गोली, जो भंडारी ब्रिज के नीचे जो लोग मारे गए थे उनके शोक सभा, उनके लिए शोक सभा थी ये। तो हंसते खेलते हुए नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, तो उसमें हंसते खेलते तो नहीं जाएंगे ना। तो अब भी जो आम लोग आ रहे हैं जिनको पूरे इतिहास का पता नहीं है, जिसको इसकी सेंसिटिविटी का पता नहीं है, वो तो ऐसे आते हैं जैसे कोई बड़ी पिकनिक की जगह है। तो ये पिकनिक की जगह तो नहीं है ना, यहाँ पे जो माहौल यहाँ का चाहिए वो बड़ा सौम्य माहौल चाहिए, तो वो बनता नहीं है। ये जो गैलरी है, मेन गैलरी, यहाँ से घुस के जो सबसे पहला मकान है, इसके बारे में प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये अकेली बिल्डिंग है जो अपने मूल स्ट्रक्चर में, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में बची हुई है। बाकी बाग का बहुत सारा हिस्सा धीरे 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 समय के साथ बदला, और हाल के जो का जो रिनोवेशन था उसको, उसमें बहुत सारा बदल गया है। तो ये मुखर्जी फैमिली के घर के बारे में सर थोड़ा सा बताएं आप। हाँ, ये देखिए, ये परिवार मेरा ख्याल 19th सेंचुरी से यहाँ पे रह रहा है, तो 1919 में भी यही परिवार इस घर के अंदर था। अच्छा। और उसी की वो अभी तक उनके वंशज भी जो है वो यहीं पे रह रहे हैं, और ये फैमिली के जो हेड ऑफ फैमिली रहता है उसको सेक्रेटरी बनाते हैं, सेक्रेटरी जलियांवाला बाग ट्रस्ट बनाते हैं, तो ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग अराउंड दिस प्लेस। बाकी लुक आफ्टर करते हैं, जो कोई VVIP आते हैं, VIP आते हैं, उनके लिए अरेंजमेंट वगैरह जो है वो सुपरवाइज करते हैं। और ये बिल्डिंग वैसी की वैसी है, ये बिल्डिंग वैसी की वैसी है जैसे पुरानी थी, वो फसाद इसका वही का वही है। अंदर इन्होंने कोई चेंजेस किए हो तो पता नहीं, लेकिन नीचे वाले कमरे में तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, वो वैसे का वैसे ही है। जो इसके साथ की बिल्डिंग्स हैं, ये बदल गई। इसमें भी देखिए एक बात है कि कुछ बदलाव तो समय के साथ अपने आप आते हैं, लेकिन कुछ बदलावों को डिलिब्रेटली किया जाता है। तो कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जो समय के साथ अपने आप आते चले गए, और कुछ ऐसे हैं कि जो तो मेरा एक सवाल है इससे, एक होता है रिनोवेशन और एक होता है प्रिजर्वेशन। तो ऐतिहासिक इमारतों के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर जो हुआ वो नए सिरे से पूरा बाग बनाने की कोशिश की गई, प्रिजर्व नहीं करने की कोशिश की गई, इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल सकें कि ये जो, हाँ, ये जो सबसे बड़ी जो ग्लेयरिंग बात मुझे लग रही है यहाँ पे, जैसे कुआं था, कुएं के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि कुएं की सैंक्टिटी बनी रहे। उसके वो पुताई भी की गई थी, उसके ऊपर सफ़ेद पुताई भी की गई थी, क्राउन की उसकी जो उसका टॉप था क्राउन की शेप का था। लेकिन अब उसको सारा डिमालिश कर दिया गया, उसको डिमालिश करने के बाद एक नया स्ट्रक्चर वहाँ पे बना दिया। तो इसको मैं तो कहूँगा कि डिमालिशन के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया वहाँ पे, रेनोवेशन तो नहीं कहेंगे ना। जबकि वो कुआं बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंबॉलिक, मतलब पूरी चीज ही उस पे भी है, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उसको जो मैं ये इंडिविजुअल तौर पे ये समझता हूँ, जाति तौर पे ये समझता हूँ कि उसको ऐसे का वैसे रख लेना चाहिए। हाँ, उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए था,
वो कुएं तक भी हम चलेंगे और फिर वहां पर आप उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। मैं यहाँ पे 13-14 साल का था तब आया था। हाँ। और मुझे याद है कि एक तो आपने वो जो बोला कि वो गली से आते थे, ये पूरा खाली था, ये पूरा फ्लैट ग्राउंड था। नहीं, आप तो 13-14 साल की उम्र में आए थे, मैं तो बचपन से शुरू से 5-6 साल की उम्र में आना शुरू हो गया था। और ये तो पूरी फ्लैट जगह थी, इसमें कोई किसी किस्म का रेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं था। और हम लोग यहाँ पे खेला करते थे, खूब खेला करते थे यहाँ पे। और बीच में एक खजूर का पेड़ रहता था यहाँ पे, अब नहीं है वो। तो ये जो है, ये जो बाग का इतिहास है, ये तो रेस प्लेटफॉर्म तो उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। नहीं, और इसका इम्पोर्टेंस, ये जो रेस्ट है ना, ये बीच का रास्ता, बीच का रास्ता भी नहीं था, ये रेस प्लेटफॉर्म भी नहीं, ये पूरा मैदान था। और अभी मुगल गार्डन टाइप बना, मतलब नॉट मुगल गार्डन, बड़े गार्डन, बहुत ही लैंडस्केप गार्डन बन गया, बड़ा लैंडस्केप कर दिया है। इसकी ब्यूटिफिकेशन तो डेफिनेटली हुई है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल, जो आके कोई आदमी फील करे कि यहाँ पे इतना कुछ हुआ था, तो वो लगता नहीं। नहीं, क्योंकि ये बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे एक छोटी सी एक प्लेट लगी हुई है जहाँ पे डायर और उसके लोग खड़े थे और उन्होंने यहाँ से शूट किया था पूरा उस तरफ। तो अगर आपको ये रेस प्लेटफॉर्म दिखेगा तो ऐसे लगेगा कि हाउ डिड दैट हैपन, बट पहले पूरा फ्लैट ग्राउंड था, लोग जमा थे, उन पे शूट किया गया था, तो वो पूरा एक आइडिया आ जाता था कि कितना खतरनाक था वो पूरा। कि लोग इस चार दीवारी के अंदर बैठे थे तो उसके इस चारों तरफ उसने गोलियां चलवाई। देखिए, 1600 गोली चलाना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, वो रिकॉर्डेड है कितने राउंड फायर चला हुआ। तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म में तो पॉसिबल ही नहीं था कि जो फायर है वो उस जो रेस्ट प्लेटफॉर्म है उससे आगे ही नहीं जा सकता था। बिल्कुल ठीक है ना। और एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार प्रोफेसर सर भी हमें बता रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, अब अगर आप यहाँ आज आएंगे तो आप वो दौर के बारे में सोच नहीं पा रहे, उस दौर के बारे में आप विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे कैसा सीन रहा होगा। और ये आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये महसूस कर पाना। एक कि प्रोफेसर साहब से इसी पर एक और मैं राय लेना चाह रहा था, जैसे हम देख पाते कि इस तरह का जो हॉरर वाले घटनाएं होती है जो इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर दर्ज होती है, इस तरह के जैसे जर्मनी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर, हालांकि इससे कई गुना ज्यादा उसका परिमाण था होलोकॉस्ट, उन्होंने जिस तरह से प्रिजर्व करके रखा होलोको, जो गैस चैम्बर्स थे या वहां पर जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे जी, तो उस तर्ज पर इस घटना, इस बात को प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी जो हम आपकी बातों से जो निकल कर रहे हैं या हम जो देख रहे हैं वहां पर, उस घटना की हॉरर्स का कोई सेंस यहाँ नहीं मिलता है। वही बात तो मैं बार बार एम्फेसाइज करने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो उस दिन का जो हॉरर है यहाँ पे, कोई कहे कि यहाँ पे इतने लोग मारे गए या इतने लोगों की लाशें सारी रात पड़ी रहीं, तो अब तो अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कहाँ पे वो डेड बॉडीज पड़ी थी और किस तरह से यहाँ पे कुत्ते सारी रात भौंकते रहे और सिर्फ एक दो महिलाएँ जो अपने पतियों को ढूंढते हुए यहाँ, पतियों या सज्जनों को ढूंढते हुए यहाँ, उन्होंने किस तरह से रात बिताई होगी, ये अपने आप में एक बड़ा डरावना भयावह सीन जो है वो प्रस्तुत करता है। तो उसकी अब सेंस, कोई आके कहे कि वो फलां आदमी यहाँ पे सारी रात वो अपने हस्बैंड को ढूंढता रहा या फलां औरत ऐसा करती रही, तो वो लाशों का ढेर था, लाशों का ढेर था चारों, या कुएं में लाशें पड़ी थीं, तो वो बड़ा भयानक सा लगता है डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब वो ऐसी जगह पे आके वो कोई कहेगा नहीं कि ऐसी घटना यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ आके असली लेवल दिख रहा है मैदान का, तो उस पर थोड़ा बताइए कि ये सबसे पुरानी इमारत है जो हमारे पीछे, 1919 से बहुत पहले की इमारत है, जो यहाँ के ऑनर्स थे, पुराने सरदार, जो जल्ले वाले सरदार थे, ये उनके बुजुर्गों की समाध है, तो उस वक्त भी ये समाध थी। तो ये क्योंकि ये खाली मैदान था, कोई आता जाता नहीं था, रास्ता बीच में उस रास्ते से आते थे, इस रास्ते से निकल जाते थे, क्योंकि इसके चारों तरफ रास्ते हैं, वो भी रास्ता है, इस तरफ भी रास्ता था गली में जो निकलता था, तो लोगों ने आने जाने का रास्ता बना रखा था। ये केवल 1919 में इसकी पॉलिटिकल वैल्यू जो है पता चली कि यहाँ पे गैदरिंग की जा सकती हैं, हाँ कुछ गैदरिंग्स की जा सकती हैं,
तो ये सबसे पहले मार्च फरवरी या मार्च में एक लीडर थे, जब रॉलेट बिल आया तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एजिटेशन के लिए मीटिंग बुलाई थी यहाँ पे, और उसके बाद जो 6 अप्रैल को भी यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, तो 13 अप्रैल को तो बड़ी मीटिंग थी, वो सब जानते ही हैं। पाक का एक्चुअल लेवल बहुत नीचे है, मतलब जो ये दिख रहा है इसमें। खाई में देख रहे हैं आप, ये बाघ का असली लेवल जो है, ये तो अर्थ फिलिंग जो है ये बाद में की गई है इसको रेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था। यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है पुराने, हाँ थोड़ा मतलब फिर भी आप थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या कैसा रहा हुआ होगा, कैसे रहा हुआ होगा। और ये जो अंदर बंद किया है इन्होंने, लॉक किया हुआ, ये पिंक जो वो तो समाज को प्रिजर्व करने के लिए बना है। तो जब ये इनॉग्रेशन हुआ अभी रिसेंटली इसका, तो इससे बहुत क्रिटिसिज्म आया सरकार को, सेंटर को, कि बीजेपी ज्यादातर क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन इससे पहले की सरकारों ने इस बाग के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, हिस्टोरिकल काम में कुछ किया या नहीं किया, आपको क्या ओपिनियन? देखिए, पहले तो ये जो मेमोरियल आपको दिख रहा है, जो फ्लेम ऑफ लिबर्टी है, ये तो कांग्रेस के ज़माने में ही हुआ था ना, तो उस पर तो सब लोगों ने, मैं तो उस वक्त छोटा था, कितना लोगों ने अप्रिशिएट किया था इसका तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन उसके बाद इस सारे जो बाग का जो है एनवायरनमेंट है, या इसके साथ जो इसका सराउंडिंग्स हैं, उसको जरूर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई पहले भी। अब पहले भी छेड़छाड़ करेंगे? हाँ, हुई है। देखिए, जैसे आप एंटर करते हैं बाग के अंदर, तो वो जो एंट्रेंस के साथ में जो बिल्डिंग्स हैं, वो पहले तो बिल्कुल पुराने ढंग की बिल्डिंग थी, लेकिन उनको निकाल दिया गया अपनी तरफ से, ये नानकशाही हिट लगा के उसको मॉडर्न लुक या पुरानी लुक देने की कोशिश की गई। लेकिन वो जो असली बात थी, जो 1919 वाली बात थी, वो फीलिंग तो नहीं आती ना आपको, क्योंकि ये जो इस तरह की ब्रिक लगाना भी जो है, ये अपने आप में मॉडर्न हो गया है, तो वो मॉडर्न लुक दे रही है, तो वो जो अपने आप में छेड़छाड़ थी। और उस वक्त भी प्रोटेस्ट हुए थे, ऐसा नहीं है कि उस वक्त प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन सरकार है, सरकार तो अब जो करने पे आ गई तो कर लेते हैं। तो ये पूरे टाइम इस स्टेज ऑफ रिनोवेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जब से हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करती हूँ, तब से सरकारों में हिस्टोरियंस को कितना अपने साथ लिया है चेंज डिसाइड करने के लिए, रेनोवेशन डिसाइड करने। एक बात तो पक्की है कि जब जो सबसे ऑथेंटिक काम है जलियांवाला बाग के ऊपर, या जो कुछ अमृतसर में हुआ या पंजाब में जो हुआ, उसके ऊपर तो प्रोफेसर वी एन दत्ता थे, हुआ करते थे, अब उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, तो उन सबसे ऑथेंटिक काम तो उनका है, जिन्होंने अमृतसर के ऊपर, जलियांवाला बाग के ऊपर, और जितने भी पंजाब में जो डिस्टर्बेंसेस हुई थी उस जमाने में, तो उसके ऊपर जो सबसे ऑथेंटिक काम उन्होंने किया। लेकिन जब सरकारों ने रेनोवेशन किया, तो क्या कभी हिस्टोरियंस से कंसल्टेशन? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई भी। कम से कम सरकारों को लगता है कि उनको पता है सब, तो वो जो करवा देंगे वो ठीक है। नहीं, देखिए, मैं 81 से या उससे भी थोड़ी देर पहले यहाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से मेरा संबंध रहा है, मैं वहीं पर काम किया मैंने, तो मेरी मेमोरी में तो कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट को या इतिहासकारों को संपर्क किया। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है बस, अब ये हाल ही में जब ये रिनोवेशन हुआ तो बहुत हो हल्ला हुआ, और इस जगह की अपनी जो का जो इतिहास है वो भी एक बहुत बड़ा, तो ये चुनाव में किसी तरह से रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर, चाहे इसके प्रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर और भी इससे जुड़े जो इतिहास, वो कभी चुनाव में अमृतसर को प्रभावित करता है किसी तरह से? हाँ, जब ये खुला था, जो चुनाव उस वक्त होते, तो ये बिल्कुल मुद्दे के तौर पे निकलता, लेकिन आज इसकी कोई राजनीतिक पार्टी इसकी बात नहीं कर रही। ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि अमृतसरियों को पसंद नहीं आया जो रेनोवेशन हुआ, या जो हाँ, देखिए, मेरे जैसे अमृतसरियों को तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो जो बाहर के लोग आते हैं वो कैसे देखते हैं इसके बारे में अभी कुछ मैं तो नहीं कह सकता कि कैसे देखते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लोग आके श्रद्धा से माथा टेकते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, चाहे यहाँ की वो
पैसा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आके लोग श्रद्धा से पैसा चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब वो एक कहीं ना कहीं एक श्रद्धा का भाव तो रहता ही है ना उनके मन में। तो जलियांवाला बाग से ये हमारी पेशकश थी। यहाँ आने के बाद इस जगह के इम्पोर्टेंस को देखते हुए यहाँ विजिट करना जरूरी था, और मुझे लगता है कि प्रोफेसर हरीश शर्मा ने बहुत अच्छा जानकारी हमें भी दी, हमारे दर्शकों के लिए भी दिया। एक चीज मैं ये ऐड करना चाहती थी कि हमने चुनावी मुद्दे की बात करी, और चाहे ये चुनाव का मुद्दा ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से अर्बन प्लानिंग और स्पेशली हिस्टोरिकल सिटीज को कैसे प्रिजर्व करना है, अमृतसर जैसी ओल्ड सिटी, अमृतसर ही नहीं जितनी भी इंडिया की ओल्ड सिटीज हैं, ओल्ड दिल्ली देख लो या जयपुर देख लो या जहाँ भी है, ये इतने हैपाजर्ड वे में ही हर जगह प्लानिंग होती है। इतिहास तो एक बात ही है, लेकिन अर्बन प्लानिंग की उससे भी ज़्यादा सरकार ध्यान नहीं देती है, और अल्टीमेटली वो टूरिज्म को इम्पैक्ट करती है। अगर आप इसको एक वर्ल्ड क्लास जगह भी बना सकते थे, जहाँ पे लोग आके नॉट जस्ट इंडिया लेकिन यूके से भी आके लोग समझते कि उनकी सरकार ने यहाँ पे क्या किया, उनके लिए भी एक ब्लैक स्पॉट है ये हिस्ट्री का ना, कॉलोनियल पावर्स जो है उनको भी यहाँ आके सोचना पे मजबूर होना चाहिए था। स्टूडेंट्स वहाँ के हिस्ट्री स्टूडेंट्स यहाँ के आके कॉलोनियल हिस्ट्री सीखें अपनी कि उनके सरकारों ने यहाँ पे क्या क्या किया। तो आई थिंक सैडली इलेक्शन इशू नहीं है, बट कुछ सोच तो इसमें जाना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अट्रॉसिटी हुई थी, और जब पहले आया था यहाँ पे तो एक फीलिंग आती थी कि यहाँ पे बहुत एक बुरी घटना हुई थी, बुलेट होल्स थे, ये वेल जो हमारे पीछे है इसमें लोग कूद गए थे, मर गए थे, लाशों का ढेर था, तो एक हॉन्टिंग फीलिंग आती थी पहले यहाँ पे आके। और मुझे अभी भी याद है, मैं जब 13 साल का था तब आया था, तो वो अभी भी मेरे दिमाग में वो इमेजेस है, वो एक इम्पैक्ट था। बट अभी एक कोई 13 साल का बच्चा यहाँ पे आएगा तो मुझे नहीं लगता वो सेम इफेक्ट होगा यहाँ पे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और मतलब ऐसी जगह आके मैं तो मुझे अंदर बहुत नेशनलिस्ट हो जाग जाता है नहीं, बिकॉज मुझे लगता है किसी भी वर्ल्ड कॉलोनियल पावर्स को ये पता ही नहीं अभी तक कि उन लोगों ने, और उनके लोग इतने प्राउड से बोलते हैं ना ब्रिटेन, ब्रिटिश एम्पायर सेट्स, ये वो, इस ब्रुटैलिटी का अंदाजा नहीं आता। और खासकर इस बता दूं ब्रुटैलिटी का, जो जब इंग्लैंड में ये खबर गई थी तब वहाँ पे भी लोगों ने काफी इसको क्रिटिसाइज किया, प्रोटेस्ट किए थे, क्रिटिसाइज किया था। एक तबका तो होगा ही जो रैशनल होगा, लेकिन जो रूलिंग क्लास है, जो उसका मतलब फल भुगत रहा था, या जो रजवाड़े थे या जो एम्पायर था, ब्रिटिश क्राउन था, उनके लिए इन सब उनके लिए सब चीजों का जो था उनको तो ये था कि दे हैव सेव्ड द राज। In that sense, this is a place of world history, not just Indian history. Savior of the Raj. We, being an independent platform, depend on our readers, viewers, and listeners. Support independent media by subscribing to News Laundry. Go to newslaundry.com, click on the subscribe button at the top, and pay to keep news free.